हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्यागी। आप बने हुए भारतीय गांव सीरीज में, चैनल का नाम जानते हैं बेटर इन्फॉर्मेशन पिटारा। आज जिस गांव में आपको लेके आए हैं, इसका नाम फपराना है। बात करें ग्लोबल लोकेशन की, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में गाजियाबाद जिले के अंदर इसका तहसील लगती है, मोदनी लोकेशन पड़ती है। लोकल यहाँ पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, ये NH 34 है, हमारे राइट साइड में देख सकते हैं। मेरठ से जाता है आपका रास्ता गाजियाबाद के लिए। गाजियाबाद से आप आते हैं तो मुरादनगर होते हुए आप आएंगे मोदनगर। बेसिकली लोकेशन है मोदनगर के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मोदी मंदिर है। मोदी मंदिर से आगे आएंगे अराउंड 100-200 मीटर के आसपास, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो फिर रोड जाती है। ये रोड आपको गांव से कनेक्ट कर देगी डायरेक्टली। बहुत ही फेमस गांव है, जाट प्रमुख ये गांव है। बेसिकली जाट जो यहाँ पे रहती है, अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर आप अंदर जाएंगे गाँव पहुंच सकते हैं। बात करें गाँव की हिस्ट्री की, बहुत पुराना गाँव है, 400 से 500 वर्ष पुराना गाँव है। बात करें ग्राम प्रधान की, वो है कविता चौधरी जी। यहाँ के MLA लगते हैं वो है मंजू सिवाच। MP लगते हैं यहाँ के, वो लगते हैं सतपाल जी। अगर बात करें पोलिंग गांव की जनसंख्या की, तो बेसिकली यहाँ का पोलिंग लगता है 3,500-4,000 के आसपास, 7 से 8,000 के आसपास टोटल पॉपुलेशन है। ये स्टैट्स वेरी कर सकते हैं, हमने कंफर्म किया गांव के लोगों से, गांव में क्या सुख सुविधाएं हैं। गांव में लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको। बने वीडियो हमारे साथ दोस्तों, हम बने फपराना गाँव के अंदर। हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, आपको यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है। स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं केबलिंग की व्यवस्था है अच्छी, एडवांस लाइटिंग की व्यवस्था है। गवर्नमेंट ने जो योजना चलाई है एडवांस केबलिंग की, आजकल वो अवेलेबल है। इंटरलॉकिंग सड़कें शुरू हुई है स्टार्टिंग से, देख सकते हैं। बेसिकली हम ये देखें यहाँ पर कोरोना के खिलाफ ग्राम पंचायत पुराना का जागरूकता अभियान, कोरोना के खिलाफ चल रहा है अभियान। लाइटों की अच्छी व्यवस्था, फपराना गांव बने हुए हैं। अभी ग्राम प्रधान है कविता चौधरी। बड़े बड़े छोटे छोटे घर, जाट प्रधान ये गांव, जाट कम्युनिटी ज्यादा यहाँ पर रहती है। एक विकसित गांव है, एब्सोल्यूट गांव का पुराना है, 500 से 600 वर्ष पुराना है गांव, लेकिन तो इससे पुराना हो सकता है। पुराना गांव बने हुए एडवांस केबलिंग, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है ताकि गांव में अंधेरा ना रहे। पश्चिमी यूपी का ये गांव देख सकते हैं, पश्चिमी यूपी ने काफी विकास कर लिया है। बेसिकली गवर्नमेंट की योजनाएं काफी यहां पर चली हुई है। जैसे कि आज पंचायत घर गांव का देख सकते हैं, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट आज सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रोजगार नगर प्रारंभ कर रही है इंडिया में। आज हमारे प्रधानमंत्री जी इस योजना का शुभारंभ करने वाले हैं 11 बजे गांव के मिड पॉइंट पर, इंटरकनेक्ट करता हुआ डिफरेंट डिफरेंट गांवों से। गाँव का मंदिर भी है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता है, यहाँ पूरा पार्टिसिपेशन करते हुए। सड़क काफी चौड़ी चौड़ी, बेसिकली ये इंटरकनेक्ट करता है मेन सिटी मोदीनगर से। अभी हम चल रहे हैं, रस्ते भी दिखाएंगे आपको एक्टिविटीज की। तो सिटी से कनेक्ट होता है, गाँव विकसित है काफी। गाँव के ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं, गवर्नमेंट जो पार्टिसिपेशन ज़्यादा करते हैं, इंडियन आर्मी डिफेंस मल्टीपल जो ब्रांचेज होती हैं, जल की बर्बादी को स्टॉप करने के लिए ना। काफ़ी अच्छा गांव, विकसित गांव। बिजली पानी की बेसिक प्लांट पूरे करते हुए 18 से 20 घंटे का लाइट आती है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। गांव के हम बाहर दूसरे पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ का जो विकास खंड लगता है, भोजपुर लगता है, स्मार्ट जिम रेयरली गांव में होता है, यहाँ लगा गया है आंगनबाड़ी केंद्र, इससे पंडाल लगा सकते हैं। ये देखें यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र,
चारों तरफ स्लोगन्स लिखे गए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए। प्राथमिक विद्यालय फपराना, स्मार्ट जिम प्रोसेस में बन रहा है, अभी इस पर काम चल रहा है, अभी कुछ दिनों पूरा हो जाएगा। गांव के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही बनेगा यहाँ पर बेसिकली। सौजन्य से राम प्रधान कविता चौधरी। देख सकते हैं गांव के बाहर पानी की टंकी की व्यवस्था भी है। ग्राम पंचायत विकास योजना सचिवालय बेसिकली, ग्राम पंचायत पुराना विकास खंड भोजपुर, तहसील मोदेगा उत्तर प्रदेश, ग्राम प्रधान कविता चौधरी। कुल मिलाकर व्यवस्थित गांव ये देखें यहाँ पर। यहाँ पे अखिल भारतीय कपड़े टूर्नामेंट भी होते रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ गांव के लोग काफी खेल कर रुझान काफी है। कृषि करते हुए गांव के लोग सुबह सुबह के काम जा रहे हैं यहाँ पर। बाहर स्पोर्ट्स ग्राउंड खेलने के लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था है गांव में। स्पोर्ट्स ग्राउंड का होना बहुत ही अच्छी व्यवस्था दर्शाता है गांव में। हर कोई चीज़ जो गांव में होनी चाहिए अवेलेबल है, तो सिटी की संख्या देखें तो बेटर रहेगा। देखिए हम चल रहे हैं अभी मोदीनगर की तरफ, खड़ा गाँव होते हुए। काफ़ी अच्छा काम किया गया है श्रीमती कविता चौधरी जी के द्वारा गाँव के अंदर। पक्की सड़क डावर की उसे कनेक्ट करती है मोदीनगर सिटी से। जगह जगह पर कोरोना को मात देने के लिए ग्राम प्रधान जी के द्वारा जागरूक किया गया लोगों को जल चलना भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये देखिए सिटी से कनेक्ट हो गया है, गांव के बाहर कॉलोनी बन गई है, निर्माण चल रहा है उनका। मोदीनगर सिटी से यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे, ये अपना रोड गोली आती है बेसिकली, कनेक्ट कर दिया है NH-34 पर आए हुए मोदीनगर सिटी। मोदी मंदिर के पास आगे आएंगे, लेफ्ट से रास्ते लेंगे, यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। अपना रोड बने हुए हैं अभी यहाँ पर।